आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांचित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्स्यामित्वारिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम प्राणायाम और प्राण शक्ति पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम और प्राण शक्ति। विद्यार्थी नचिकेता अपने पिता वाजिश्रवाह की आज्ञा अनुसार आचार्य यम के पास विद्या पढ़ने के लिए गए। वहां उन्होंने आचार्यों के पुस्तक भंडार में कितने ही ग्रंथ देखे और पाया कि उनमें प्राण विधा का असाधारण महत्व बताया और यश गाया गया है। उसने पाया कि हठ योग प्रदीपिका का कथन है कि प्राण वायु निगृहित हो जाने से मन एकाग्र होने लगता है। जिसने प्राण को जीत लिया उसने मन जीत लिया और मनोनिग्रह से होने वाले लाभों पर अधिकार कर लिया। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन पर अंकुश प्राण का रहता है, इसलिए जितेंद्रिय बनने वालों को प्राण की साधना करनी चाहिए। जाबाला दर्शनों उपनिषद का कथन है कि प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने पर अनेक तर्कों और जिज्ञासुओं का समाधान स्वमेव ही हो जाता है। प्रश्न उपनिषद में उल्लेख है कि इस शरीर रूपी ब्रह्मपुरी से प्राण ही कई प्रकार की अग्नियां बनकर दहकता है। प्राण का दर्शन किस रूप में, किस स्थान में हो सकता है, इस संदर्भ में त्रिशिखो उपनिषद में कहा गया है, मूलाधार चक्र में निवास करने वाली आत्म तेज रूपी अग्नि जीवनी शक्ति है। यह प्राण रूपी आकाश में प्रकाशवान कुंडलिनी है। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है, बिजली की बेल के समान तपते हुए सूर्य के समान अग्नि रूपी यह शक्ति मूलाधार क्षेत्र से ऊपर चढ़ती हुई दिखती है। कौशिकीता की ब्रह्मणों उपनिषद में कहा गया है, यह प्राण ही ब्रह्म है, यही सम्राट है। वाणी उसकी रानी है, कान उसके द्वारपाल हैं, नेत्र अंगरक्षक हैं, इंद्रियां दासी हैं। देवताओं ने यह सारे साधन प्राण ब्रह्म के लिए ही जुटाए हैं। अथर्ववेद की श्रुति है, उस प्राण को नमस्कार है जिसके अधीन यह सारा जगत है, जो सबका ईश्वर है, जिसके भीतर यह सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्म उपनिषद का कथन है कि यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है। यही सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी तथा मूल समुदाय हैं। सत, असत तथा अमृत स्वरूप ब्रह्म यही है। सत पद का कथन है, यह प्राण ही निश्चित रूप से अमृत है। छंद्योग्य में कहा गया है, इस प्राण की शक्ति आशा से अधिक है। बृहदारण्यक में कहा गया है, प्राण ही यश और बल है। तांडेय का कथन है, प्राण को जागृत कर लेना ही महान जागरण है। जो ज्ञानी प्राण के रहस्य को जान लेता है उसकी परंपरा अमर हो जाती है। ऐसे ऐसे अनेक
कथनों को पढ़ने पर नचिकेता की जिज्ञासा प्राण तत्व को जानने हेतु जगी। उसने आचार्य यम से उसके संबंध में अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट की। यम कितने ही दिनों तक उसकी पात्रता परखते रहे और बात को आगे के लिए टालते रहे। उनके अनेक प्रलोभनों वाले साधनों को सीख लेने की बात कही, पर जब वह उसी ज्ञान का आग्रह करता रहा तो यम ने पंचा अग्नि विद्याओं का रहस्य बताया। इसके सूत्र संकेत प्रश्न उपनिषद में मिलते हैं। अग्नियां तीन हैं, आवहनीय, दक्षिणा अग्नि और अहिता अग्नि। फिर पंचाग्नि से क्या अभिप्राय है? यह पांच कोशों की साधना है, इसी को पंचा अग्नि विधा कहा गया है। मंत्र विज्ञान सुविस्तृत है। मंत्र महोदधि और कुलाणवन तंत्र में अनेका अनेक मंत्रों का उल्लेख और विधि विधान बताया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्राण रहित शरीर में जैसे कुछ काम करने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार बिना प्राण को जागृत किए किसी मंत्र की पुरुष चरण साधना सफल नहीं होती। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जैसे हाथी महावत की इच्छा अनुसार अपनी चाल चलता है और बदलता है, उसी प्रकार सिद्ध किया हुआ प्राण अभिष्ट प्रयोजनों में भी निरत रहता है। जैसे पाला हुआ चीता मृगों को ही मारता है, पालने वाले को नहीं, उसी प्रकार निग्रहित सिद्ध प्राण अभिष्ट लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, साधक को हानि नहीं पहुंचाते। प्राण तत्व को कितनों ने ही कॉस्मिक एनर्जी दैवीय तत्व कहा है और कई उसे विजुअल लाइफ प्रत्यक्ष जीवन कहते हैं। वस्तुतः वह ऐसी शक्ति है जिसे अपने निजी भंडार में भरते हुए अधिकाधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जो कार्य घर में जनरेटर होने पर उसके प्रयोग से हो सकते हैं, उसी स्तर के मानवीय कार्य इस क्षमता के आधार पर हो सकते हैं। उसे परमात प्रयोजनों में भी लगाया जा सकता है। विशेषतः इसका प्रयोग रोगों के निवारण में हो सकता है। मेस्मेरिज्म विधा में उसके कुछ उपचार लिखे भी हैं और वे कारगर भी होते हैं। किसी दुर्बल मन वालों को यह अनुदान भी दिया जा सकता है। शक्तिपात के रूप में किसी दुर्बल प्राण वाले को सबल प्राण जैसा बनाया जा सकता है। इस क्षमता वाले के श्राप वरदान भी फलते हैं। उसको उपचार या प्राण प्रहार दोनों ही रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्राणायाम की गरिमा अखिल विश्व से प्राण तत्व वाइटल फोर्स को खींचकर साधक के मन क्षेत्र में भर देने के रूप में बताई गई है। स्वसंचालित नाड़ी संस्थान ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब किसी अन्य उपाय से नियंत्रण में नहीं आता, तब प्राण तत्व ही उसे वश में करता है। हार्मोन तत्वों अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अन्य किसी उपाय से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, किंतु जागृत हुए प्राण द्वारा यह नितान कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से होती है। अन्य धातु प्राण ने जीवनी शक्ति चेतना वाचक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। प्राण और जीवन प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह प्राण तत्व जीवन तत्व जब न्यून पड़ता है तो व्यक्ति हर दृष्टि से लड़खड़ाने लगता है, और जब वह समुचित मात्रा में रहता है तो समस्त क्रियाकलाप ठीक तरह चलते हैं। जब वह बढ़ता है तो उस अभिवृद्धि को बलिष्ठता, समर्थन, सतर्कता, तेजस्विता, मनस्विता, प्रतिभा आदि के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ही महाप्राण कहलाते हैं। वे अपना प्राण असंख्यों में वितरित करते हैं और अनेकों को अपनी नाव पर बिठाकर पार करते हैं। कई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से समर्थ और मानसिक दृष्टि से सुयोग्य होते हैं, पर अंतःकरण में साहस ना होने के कारण कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाते। शंका,
आशंकाओं से असमंजस्य में पड़ी हुई मन स्थिति में ना तो कोई साहसिक निर्णय कर सकना पड़ता है और न ही अवसर का लाभ उठा सकना ही संभव होता है। इसके विपरीत मनस्वी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन सहयोग, अवसर आदि की कठिनाइयां रहते हुए भी दुस्साहस भरे कदम उठाते और आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं प्राप्त करते हैं। प्राणवान होने के लिए साहस भरे कामों में हाथ डालना और उन्हें पूरा करके ही रुकना ऐसा उपाय है जिस आधार पर प्राण शक्ति निरंतर बढ़ती जाती है। इन उपायों में एक प्राणायाम का अभ्यास भी है जिसके अनेकों रूप प्रचलित हैं। प्राण शक्ति का स्वरूप और अभिवर्धन स्वाध्याय के अंतिम चरण में शक्ति के कितने ही प्रचंड स्रोत करतलगत किए गए हैं, पर यह नहीं मान बैठना चाहिए। विश्वव्यापी शक्ति भंडार मात्र अणुशक्ति की भौतिक सामर्थ्य तक ही सीमाबद्ध है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में संव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण का परिचय दिया जा सकता है, पर चेतन जगत में संवेदना उसे कहा जा सकता है जिसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी संवेदना के तीन रूप में हैं। जीवंत प्राणी इसी के आधार पर जीवित रहते हैं, उसी के सहारे चाहते, सोचते और प्रयत्नशील होते हैं। इस जीवन शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जा सकता है। आत्मा को महात्मा, देवात्मा और परमात्मा बनाने का अवसर इस प्राण शक्ति की अधिक मात्रा उपलब्ध करने पर ही संभव होता है। चेतना की विभूसत्ता जो समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है चेतन प्राण कहलाती है। उसी का अमुक अंश प्रयत्न पूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। वह प्राण हमारे अनुभव में जड़ पदार्थों की सक्रियता के रूप में है और चेतन प्राणियों की सजगता के रूप में दिखाई पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि वस्तुओं एवं प्राणियों के उत्पन्न होने के उपरांत ही इस शक्ति का उद्भव हुआ होगा, पर बात ऐसी नहीं है। वह सृष्टि से पहले ही मौजूद तो था। उसी सूक्ष्म प्राण शक्ति ने समयानुसार परा और अपरा प्रकृति का रूप धारण करके इस दृश्य जगत का सृजन किया है। शास्त्र में इसका वर्णन इस प्रकार आता है, सृष्टि से पहले असत था। यह असत क्या है? उत्तर में कहा गया वे ऋषि थे। ये ऋषि क्या थे? तब उत्तर में कहा गया वे प्राण थे। प्राण ही ऋषि है। यहाँ असत शब्द अभाव में अर्थ में नहीं अव्यक्त के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्राण सृष्टि के से पूर्व भी विद्यमान था। जब दृश्य पदार्थ विनिर्मित हुए तो उनमें प्राण को हलचल करता हुआ देखा गया। यह देखना ही व्यक्त है। छंदोग्य उपनिषद 5:1-1 में प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। सृष्टि से पूर्व उसकी सत्ता विद्यमान होने से वह ज्येष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए कि समस्त पदार्थों और शरीरों में उसी की विभिन्न हलचलें दृष्टिगोचर हो रही हैं। वस्तुतः जीवन के अर्थ में ही प्राण का प्रयोग होता रहा है। वृहदारण्यक में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है, जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है वह सूख जाता है। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन्य धातु से होती है। अन्य धातु प्राणी, जीवनी शक्ति चेतना वाचक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। जीवधारुओं को प्राणी कहते हैं। प्राण और जीवन दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्राण आत्मा का गुण है। वह परम आत्मा से अर्थात पर ब्रह्म से निसृत होता है।
आत्मा भी परमात्मा का ही एक अविच्छिन्न घटक है, उसके अंश रूप में होते हुए भी मूल सत्ताधारी के सारे गुण विद्यमान हैं। व्यक्तिगत प्राण धारण करने वाला प्राणी जब सुविकसित होता है तो वह बूंद के समुद्र में पड़ने पर सुविस्तृत होने की तरह व्यापक बन जाता है। व्यापक महाप्राण का अंश प्राणी है अथवा प्राणधारियों की समष्टि चेतना महाप्राण है। इसमें तात्विक कोई अंतर नहीं, यह शब्दों की ही हेराफेरी है। प्राण के स्वरूप को समझाते हुए शास्त्रकारों ने उसका परिचय कई प्रकार दिया है। उसे सृष्टि का सूत्र, संचालक और परब्रह्म से निस्तृत जीवन सत्ता के रूप में समझाने के लिए ही यह कई प्रकार के प्रतिपादन प्रस्तुत किए हैं। उसने प्राण उत्पन्न किया, प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न आदि बने। जड़ से चेतन उत्पन्न होने के बाद भौतिक विज्ञानी कहते हैं। आत्मविज्ञान का मत इससे भिन्न है। वह कहता है, चेतना से जड़ की उत्पत्ति हुई। जड़ में ना कुछ सोचने की शक्ति है और ना करने की। वह निर्जीव होने के कारण अवतरण, अभिवर्धन एवं परिवर्तन की कोई क्रिया नहीं कर सकता। उसकी हलचले चेतना की ही देन है। चेतना की इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार प्राणियों के शरीर बनते और बदलते रहते हैं। इस तथ्य को तो भौतिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऐसी दशा में चेतन प्राणी को ही प्रथम मानना पड़ेगा। सृष्टि से पूर्व निसंदेह उसकी सत्ता सूक्ष्म चेतना के रूप में रही है और महाप्राण इस विश्व के सूत्र संचालक परब्रह्म का परमात्मा अथवा आत्मा का ही ब्रह्म तेजस रहा है। वह कोई भौतिक शक्ति नहीं है। इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। यह समस्त जगत के प्राण के स्पंदन से निहसित होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आगे इसकी व्याख्या करते हुए बताया गया है, जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही आत्मा से सब प्राण निकलते हैं। इस प्राण सत्ता का जब जिस प्रयोजन के लिए प्रयोग होता है, तब उसके नाम उसी क्रिया के आधार पर ध्यान में रखते हुए रख दिए जाते हैं। एक व्यक्ति दुकानदारी, रसोईया, चोरी आदि कई काम करता है। जिस समय उसे जो काम करते देखा जाता है, तब उसे उसी आधार पर दुकानदार, रसोईया, चोर आदि कहा जाता है। तांगे वाला उसे सवारी, व्यापारी उसे ग्राहक, डॉक्टर उसे रोगी और अध्यापक उसे विद्यार्थी के नाम से पुकारता है। इतने पर भी वह एक ही व्यक्ति होता है। इसी प्रकार प्राण की जहाँ जो गतिविधियाँ होती हैं, उसी प्रकार उसे वह नाम दे दिया जाता है। साधारणतः 5, 10 या 11 प्रकार के उसके वर्गीकरण होते रहे हैं। शतपथ में यह प्राण वायु 5 प्रकार का है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। मनुष्य में रहने वाली 10 इंद्रियां और 11वां मन, यह सब प्राण है। इतने पर भी उसे वायु, इंद्रियां या मन नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वह इस सब के भीतर काम करने वाली जीवनी शक्ति है। ब्रह्म सूत्र में इसकी आगे व्याख्या करते हुए समझाया गया है, यह प्राण वायु या इंद्रिया नहीं है। शास्त्रों में उसका उद्देश्य भिन्न रूप से किया गया है। प्रश्नोपनिषद में यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। उस वरिष्ठ प्राण ने मन और इंद्रियों से कहा, तो मोह में मत पड़ो, मैं ही 5 रूप बनकर इस शरीर को धारण किए हुए हूँ। यह प्राण वायु नहीं है और ना ही वह इंद्रियों का व्यापार ही है। यह प्राण मन और इंद्रियों से भिन्न है। मुंडक 2, 1 और 3 में इसकी व्याख्या करते हुए बताया गया है, प्राणायाम को गहरी सांस लेने का, फेफड़े पुष्ट करने वाला व्यायाम नहीं माना जाना चाहिए। वस्तुतः वह निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त चेतना के समुद्र से बड़ी
मात्रा में जीवनी शक्ति अपने भीतर धारण करके सामान्य लोगों की तुलना में अत्यधिक सामर्थ्यवान बनने का परिष्कृत विज्ञान सम्मत सुनिश्चित प्रयास है। इसे यदि विधिपूर्वक जाना और अपनाया जाए तो उसमें हमारे महत्वपूर्ण अभावों की पूर्ति हो सकती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।